मोदी जी, हम लोग यहाँ पर कब तक काम करेंगे? चलो घर, खाना खाने की टाइम हो गई है। सुबह से आकर खड़ रहे हैं खेत में और खाना खाने की टाइम हो गई है, तब भी आप खटा रहे हो हम लोगों को। अखिलेश को तो पूरा भरपूर खटा रहे हो। अरे जोगी, काहे ये पगला रहे हो? हाँ, अभी देख रहे हो खेत में काम कर रहे हो, तुमको भूख लग गई, जाओ घर तुम खा कर आओ। देख रहे हो मैं बैल भाड़े पर लाया हूँ, आज खटा लूँ बैलों को, वरना सब भाड़ा उसी तरह लेंगे, इसीलिए बैलों को खटा लेता हूँ। आज सुबह से शाम तक काम करूँगा, जब तक पूरा काम ख़त्म ना हो जाए। और जोगी तुम जाओ, रोटी सब्जी लेकर आओ मेरे को लिए खाने के लिए। हाँ जाओ घर। का सरुआ अखिलेश साहब, बैलवान के खटा खटा गणियों में से गोबर निकाल देवा? हाँ, एकर का मतलब भाड़ा पर लेके लगा तो खूब उनके खटेबा। हाँ चारा घरे आराम से लिट्टी चोखा बनल और भौरी चोखा खा के या आराम से भरपूर तब काम करिया। सरव नहीं तो मर जीबा, ये जब गर्मी पड़ है इतना, ये में मर के खाद बन के मिट्टी में मिल जीबा के वो जान ना पाएगी, तो आदमी में लाश रह मर जीबा। चला चारा घरे पहले भरपूर खाना खा के आवा। अरे मोदी जी और अखिलेश, अरे मोदी जी और अखिलेश यार, मैं घर गया था खाना खाने के लिए, बहुत ही अच्छा लिट्टी चोखा लग रहा था, साला कुल खनवा खा गया। तुम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं लाया हूँ, तुम लोग ये जो बैल हग रहे हैं ना, इसी का अंगल खा लो तुम लोग। हाँ देख लो, मैं पूरा खाना खा गया, तुम लोगों को कहाँ से लेकर आऊँ? और मोदी जी मुझे मारा मत, ज़्यादा भूख लग गई थी, मैं ज़्यादा काम कर लिया था इसीलिए सारा खाना खा गया, गुस्सा मत होना। और अखिलेश तुम खट रहे हो ना, तो खटो, खाना तो खा गया।